वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपने इसके पहले के टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो इसके पहले 3 वीडियोस इस पे डाले हुए हैं, वो देख लो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो क्या होता है, जब भी आपका कोई भी सर्किट होता है, सर्किट के अंदर यू हैव रेजिस्टेंस है, बैटरी है, तो जब आप करंट पास करते हो तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट गिव्स राइज टू हीट। मतलब जैसे आपने देखा होगा, जब फैन चलता है तो फैन चलने के बाद धीरे धीरे वो गर्म हो जाता है, या फिर आपका कोई भी अप्लायंस, इलेक्ट्रिक अप्लायंस चालू रहते रहते गर्म हो जाता है, तो वो किस वजह से? बिकॉज जब भी किसी सर्किट में करंट फ्लो करता है तो बिकॉज ऑफ द करंट फ्लो गिव्स राइज टू हीटिंग इफेक्ट, उससे वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये गर्म होता है। यही प्रिंसिपल अगर मान लो अब इसका हम डेरिवेशन देखेंगे कि कितनी एनर्जी, जो आपका हीट जनरेट हो रहा है, हीट क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप करंट जब पास करते हो तो एग्जैक्टली कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी उसमें से जनरेट हो रही है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। अच्छा, हीट जो डिसिपेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज पावर। हीट डिसिपेशन को हम क्या बोलते हैं? पावर। सो पावर क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। मतलब आपका वर्क डन यहाँ पे क्यों आया? बिकॉज दिस इज नथिंग बट द एनर्जी, जो आपकी एनर्जी डिसिपेट हो रही है पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। सो हाउ विल यू डिफाइन पावर? एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम, दिस इज नोन एज पावर, ठीक है। तो आप ऑलरेडी देख चुके हो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे फर्स्ट सेकेंड फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो W की जगह हम क्या डाल सकते हैं? VQ। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन और एनर्जी, देखो रिप्लेसेबल वर्ड्स हैं, क्योंकि वर्क डन आप करोगे तो एनर्जी यूज होगी, एनर्जी यूज होगी तो उससे भी काम होगा, वर्क डन होगा, तो एनर्जी और वर्क डन दे आर इंटरचेंजेबल वर्ड्स। तो यहाँ पे वर्क डन क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। तो पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, इसका जो यूनिट होता है वो होता है वाट, दिस इज इक्वल टू वी क्यू डिवाइडेड बाय टी, सो दिस इज नथिंग बट पावर। अच्छा, ये आपने क्यू बाय टी क्या पढ़ा है? सबसे फर्स्ट फॉर्मूला अगर आप देखोगे फर्स्ट वीडियो में, तो वी क्यू बाय टी क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। हमने क्या डिफाइन किया था करंट को? करंट इज इक्वल टू नंबर चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, सो दैट इज नोन एज करंट। तो Q बाई टी को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? दिस इज इक्वल टू V इंटू आई, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर पावर, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप दूसरा देखो, वर्क डन कितना होगा? वर्क डन इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, राइट। और वर्क डन को हम क्या बोल सकते हैं? एनर्जी। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है? हीट एनर्जी। तो आप वर्क डन को हीट एनर्जी भी बोल सकते हो, और हीट रिप्रेजेंटेड बाय एच, वो किसके इक्वल हो गया? पावर इनटू टाइम के। पावर का फॉर्मूला क्या है? वी आई। तो विल राइट इट वी आई टी, दिस इज नथिंग बट हीट। एक तो फॉर्मूला हीट का ये हो गया, ठीक है। अच्छा, एनर्जी को आप किस में रिप्रेजेंट करोगे? वर्क डन को आप किस में रिप्रेजेंट करते हो? जूल में। तो एनर्जी भी आपकी आएगी जूल्स में, तो H इज इक्वल टू वी आई टी, एक फॉर्मूला तो आपका ये हो गया। अब अगर हम जूल इस पे जाएं, ओम्स लॉ पे जाएं, तो V कितना होता है? V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, तो V की जगह आई आर डाल दो, तो H कितना हो गया? H इज इक्वल टू आई आर, V की जगह डाला, एंड एक और आई टी, सो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। मतलब जब आप किसी सर्किट में करंट पास करते हो तो उसमें कितनी हीट एनर्जी एनर्जी आपको मिलती है वो इस फॉर्मूला से मिलेगी, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, वी कॉल दिस एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। अगर आपको डिफाइन करने बोला जाता है व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? हीट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट और अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, फर्स्ट पॉइंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस
एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज इन अ सर्किट. आई रिपीट, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. अगर आपको डिफाइन करने के लिए आता है, एग्जाम में मोस्टली 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको रहता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपको डिफाइन करना है, तो आप क्या बोलोगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में द हीट डिसिपेटेड इन अ सर्किट और हीट प्रोड्यूस इन अ सर्किट और अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट. तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट. और सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, यहीं से देखो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. आई विल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. एंड थर्ड पॉइंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज, टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज इन अ सर्किट. दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. ठीक है, तो हम डायरेक्टली, आप देखो ब्रीफली हमने क्या सीखा, जब भी किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है तो उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. हमने इसमें उसका डेरिवेशन सीखा है. ठीक है, तो जब हीट प्रोड्यूस होती है तो वो हम कैसे डिराइव करेंगे. सबसे पहले आपको पता है पावर क्या होता है, पावर इज एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम. तो वो आ गया डब्ल्यू बाई टी. डब्ल्यू को आप क्या लिख सकते हो, वी क्यू लिख सकते हो. ठीक है, तो वी क्यू बाई टी पावर का फॉर्मूला हो गया वी क्यू अपॉन टी. क्यू बाई टी क्या होता है, करंट आई. ठीक है, तो पावर इज वी आई. अब इस फॉर्मूला में पावर की जगह वी आई डाल दो, तो वर्क डन को क्या बोल सकते हैं, एनर्जी. दिस इज वी आई टी एंड हेयर कम्स द डेरिवेशन फॉर दिस. राइट स्टूडेंट, नाउ बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला यू हैव टू डू मेनी न्यूमेरिकल्स. टेक्स्ट बुक में भी है, आप कोई और बुक रेफर करते हो उसमें भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे. नाउ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं. जैसे अब आप खुद सोचो, आप जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ करते हो वो गर्म हो जाता है, तो वो हीट मतलब हमको कुछ एप्लीकेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं. कैसे एप्लीकेशंस, जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन की हम बात करें, फर्स्ट एप्लीकेशन कहाँ यूज़ होता है, ये आपके सारे जितने भी इलेक्ट्रिक गीज़र, टोस्टर, लॉन्ड्री के आयरन जो आप यूज़ करते हो, हीटर, मेनी ऑफ देम, जिसमें भी हीटिंग है आप इलेक्ट्रिक सप्लाई उसको देते हो और उसमें हीट जनरेट होती है, सो वो सारी एप्लीकेशंस है हीटिंग की. तो आप ओवन बोल सकते हो, केटल बोल सकते हो, गीज़र बोल सकते हो. ठीक है, सो ऑन, जिसमें भी ऐसे कॉइल यूज़ होता है, जो कॉइल वो गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद हीट प्रोड्यूस कर, मतलब आपको हीटिंग इफेक्ट देता है. ठीक है, इसकी सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो फिलामेंट में होती है. बल्ब का जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट आपको पता है ना, जैसे ये बल्ब है तो इसके अंदर जो ये वायर जा रहा होता है, इस वायर को हम फिलामेंट बोलते हैं. बल्ब ग्लो कैसे करता है, जब आप इसमें से करंट पास करते हो तो करंट पास होने के बाद ये जो फिलामेंट है ये गर्म हो जाता है. गर्म ये इतना ज़्यादा रेड हॉट हो जाता है दैट इट स्टार्ट्स एमिटिंग लाइट, उसकी वजह से आपको बल्ब ग्लो करते हुए दिखाई देता है. ठीक है, लेकिन अब देखो, अगर आप नॉर्मल कोई भी वायर को फिलामेंट में यूज़ करोगे तो वो गर्म होने के बाद क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट इज लेस. तो हम स्पेशल टंगस्टन वायर यहाँ पे यूज़ करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस. 3380 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन. सो इन यहाँ पे हम टंगस्टन को यूज़ करते हैं. राइट, तो इसका अब देखो, अब दूसरा प्रॉब्लम क्या आएगा, जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो बाहर बहुत ज़्यादा हीट होगी, तो इसके अंदर, और ये जो इसके अंदर हम इनएक्टिव, इसके अंदर इनएक्टिव नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन और आर्गन गैस को फिल कर देते हैं, सो दैट इट मेक्स द लाइफ ऑफ द फिलामेंट अ बिट लॉन्गर. तो इसमें क्या क्या है, सेकेंड एप्लीकेशन फिलामेंट में यूज़ होता है, बल्ब के फिलामेंट में, वहाँ टंगस्टन वायर यूज़ होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस है, प्लस उस बल्ब के अंदर इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन गैस फिल्ड अप होती है, सो दैट द लाइफ ऑफ द फिलामेंट इंक्रीजेस. दिस इज अ सेकेंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट. द थर्ड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज द फ्यूज वायर. आपने कभी फ्यूज वायर देखा होगा. फ्यूज वायर में क्या होता है, एक पतला सा वायर आपके सीरीज में कनेक्ट होता है. आपके घर का जो भी सर्किट होता है रूम में, जो या पावर वाले स्विचेस में आजकल कॉमनली ऊपर लगा होता है, या बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी लगा होता है, एक फ्यूज वायर, पतला वायर लगा होता है
इन सीरीज विद द अप्लायंस। तो जब भी उस सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो होता है, जब ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो ये वायर में हीटिंग इफेक्ट होता है और ये वायर मेल्ट हो जाता है। तो जब ये वायर मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक होने से ज़्यादा करंट आपके अप्लायंस में नहीं जाएगा और आपका अप्लायंस सेफ होता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, राइट। नेक्स्ट कम्स इज द इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हीटिंग इफेक्ट के बिगनिंग में क्या होता है। इलेक्ट्रिक पावर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी के साथ। इसका यूनिट होता है वॉट, एसआई यूनिट वॉट। दिस इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। फिर वर्क डन को हमने रिप्लेस किया वी क्यू से और इसको क्या बोलते हो, दिस इज नथिंग बट आई। सो पावर का दूसरा फॉर्मूला आपका हो गया वी आई। अगर आप वी को रिप्लेस कर दो ओम्स लॉ में, सो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। दिस इज अगेन अनदर फार्मूला फॉर पावर। देखो पावर के बहुत सारे फार्मूलाज हैं बेस्ड ऑन आपको न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, ठीक है। आप कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके न्यूमेरिकल में आपको कौन से वैल्यूज प्रोवाइड किए, अकॉर्डिंगली यूज द फार्मूला, ठीक है। तो अभी पावर का यूनिट मैंने बताया आपको वन वॉट से, इफ इट इज वन वॉट। आपका वी किस में मेजर होता है, वोल्ट में, वन वोल्ट। और करंट किस में मेजर होता है, एम्पियर में। तो एक वोल्ट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट एंड द करंट फ्लोस थ्रू द सर्किट इज वन एम्पियर, वी से वन वोल्ट पावर इज डिसिपेटेड। नाउ सिंस द यूनिट वाट इज वेरी स्मॉल यूनिट, इट इज नॉट यूज इन अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इन प्रैक्टिकल वी जनरली यूज इट इन के डब्ल्यू, दैट इज किलो वॉट, ठीक है। अब इसी से दोबारा आ जाओ वापस। एनर्जी क्या है आपकी, वर्क डन, या फिर एनर्जी क्या है, पावर इनटू टाइम, राइट। पावर अगर आपका हो के डब्ल्यू में और टाइम अगर आप आर्स में ले रहे हो इंस्टेड ऑफ सेकेंड, तो आपका वर्क डन किस में आएगा, वर्क डन और एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या हो गया, के डब्ल्यू एच। दिस इज द कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। लेट मी रिपीट, आपका वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, पावर इंटू टाइम। अगर आपकी पावर किलो वॉट्स में है, बिकॉज वॉट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट, और आप टाइम को इंस्टेड ऑफ टेकिंग इन सेकेंड्स, इफ यू आर टेकिंग द टाइम इन आवर्स, देन द एनर्जी विल बी गिवन इन के डब्ल्यू एच, किलो वॉट आवर्स, and this is known as commercial unit of energy. Now अगर आप इसको joules में compare कर रहे हो, then 1 kWh is equal to, kW मतलब कितना हो गया, 1000 watts. hours को अगर आप second में convert कर रहे हो, then it is 3600 second. तो अगर आप इसको full लिखो, then it is 36, there are 5 zeros, these many joules, or 3.6 into 10 power 6 joules. This is equal to 1 kWh. This is again an important one. In the exam, generally they ask you to write the answers in commercial unit. This is the commercial unit, kWh. तो आपको calculations करना है, तो this is a way you have to convert it. Okay, students, this is for today from this chapter. Later on, I'll take the numericals based on all the formulas that we have discussed in all the four videos.